हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज इज करेंसी। मैं हूं भरत चौधरी और आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट थ्री है। पार्ट वन और पार्ट टू हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन टू अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉज्ड बाय। सो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि जिसमें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है उसका हम किल कर नाश करते हैं उनका। तो इसका सही आंसर है क्लोरीनेशन। इसे हम डिजिनिफेक्शन भी बोलते हैं। क्लोरीनेशन को हम डिजिनिफेक्शन भी बोलते हैं और ये हमारी लास्ट प्रोसेस है वाटर को क्लीन करने की। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसका भी टाइप होता है, तीन टाइप के फिल्टर होते हैं, स्लो सेंड फिल्टर, रैपिड सेंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो कि फाइन हमारे पार्टिकल वाटर में जो रहते हैं उसको हम दूर करते हैं उस फिल्टर की हेल्प से। सो डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट भी नहीं होता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने का सही आंसर है क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ सेवर शैल बी प्रिपेयर्ड बाय। सो सेवर का मिनिमम डायामीटर, मिनिमम और मैक्सिमम एक डायामीटर रहता है क्योंकि इसका सही आंसर है 15 सेंटीमीटर उसका मिनिमम डायामीटर है और 300 सेंटीमीटर इसका मैक्सिमम डायामीटर है। अगर क्या होगा कि अगर 15 सेंटीमीटर से कम वाले पाइप, कम डायामीटर वाले हम पाइप अगर यूज़ करेंगे सेवर में, तो क्या होता है कि चौकअप होने का प्रॉब्लम हो जाएगा और जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और सेम प्रॉब्लम यही होगा अगर 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर वाले पाइप आप यूज़ करोगे तो उसमें भी हम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी और उसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग का प्रॉब्लम होगा। सो एज पर आवर इंडियन स्टैंडर्ड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सेवर इज 15 सेंटीमीटर मिनिमम एंड 300 सेंटीमीटर इज ए मैक्सिमम। द डिप्लेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्यू टू बीओडी रिएक्शन ऑफ सेवेज इज कॉल्ड। सो क्या होता है कि बीओडी की वजह से हमारे जो भी मतलब नेचर वाटर होता है, जब उसमें हम जो हमारा क्लीन वाटर में जब हम गंदा पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उसमें कमी होती है, मतलब उसमें घटता है ऑक्सीजन। तो वो किस वजह से घटता है, तो वो घटता है उसे हम डी ऑक्सीजनाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम डी ऑक्सीजिनेशन कहते हैं। और क्या होता है कि नेचुरल वाटर में पहले ये बीओडी, जब डर्टी वाटर गंदा पानी नेचर हमारे रिवर के पानी में जाता है तो वो उस ऑक्सीजन का यूज़ होता है ऑक्सीडाइजेशन में, और उस ऑक्सीडाइजेशन से वो जो गंदा पानी होता है वो भी क्लीन हो जाता है और इसे हम सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। सो जब जो ऑक्सीजन घटता है उसे हम डीऑक्सीजनाइजेशन कहते हैं। सही आंसर ए है इसका। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सेवर इज। अब सीमेंट कंक्रीट सेवर का मेन डिसएडवांटेज में हमें दिया हुआ है लेस स्ट्रेंथ। नहीं, स्ट्रेंथ तो उसकी अच्छी रहती है। डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन, डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्ट एंड ड्यू टू हैवी वेट। हाँ, ये सही आंसर है। कंस्ट्रक्शन भी हम इजीली कर सकते हैं, पर क्या होता है कि आरसीसी का जो भी पाइप होता है वो बहुत ही वेट में हैवी होता है, और जहाँ पे हम साइट को, जहाँ पे हमें ये लेइंग करना है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उसकी वजन में हैवी होता है इसीलिए। सो ये हमारा आंसर सही है। नहीं, लाइफ भी अच्छी रहती है इस कॉन्क्रीट सेवर पाइप की। नेक्स्ट है, अ टेस्ट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। सो अगर हमें स्ट्रेंथ, वेस्ट वाटर की स्ट्रेंथ मेजर करनी हो तो हमें बीओडी टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि एक क्लीन वाटर में बीओडी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। ये आप ध्यान रखने, जो कि पोर्टेबल वाटर हो उसमें बीओडी जीरो होना चाहिए। और बीओडी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बीओडी की सेम ही होता है सीओडी जिसे हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं, और एक होता है टीओडी जिसे हम टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। सो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि मतलब क्या किसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, तो सबसे ज़्यादा होता है टीओडी, टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन, जैसे नाम से ही पता चलता है। उससे कम होता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पोर्टेबल वाटर में, और उससे भी कम होता है बीओडी। बीओडी की
जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर ही होती होनी चाहिए पोर्टेबल वाटर के लिए। सो ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा TOD, फिर COD, फिर BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोएंगुलेंट वाइडली यूज्ड फॉर सेवेज ट्रीटमेंट। सेवेज ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कोएंगुलेंट यूज होता है? तो इसका सही आंसर है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड इसका सही आंसर है। हमें ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में यह पूछा है कि द कोएगुलेंट वाइंडली यूज्ड फॉर सेवेज ट्रीटमेंट, तो सेवेज ट्रीटमेंट के लिए फेरिक क्लोराइड यूज होता है। और अगर हम हमें ये पूछ ले कि जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में कौन सा कोएगुलेंट यूज होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है हमारा एलम। एलम सी आंसर सही होगा अगर यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट होता तो, पर यहाँ पे हमारा सेवेज ट्रीटमेंट है तो उसका सही आंसर है फ्लोरिक क्लोराइड, यही सही आंसर। और अगर हमें पूछता कि वाटर में वाटर सप्लाई में डिजिनिफेक्शन में कौन सा यूज होता है मैक्सिमम, तो डिजिनिफेक्शन के लिए क्लोरीन यूज होता है, जो हमें पहले भी देख चुके हैं, जिसे हम क्लोरीनेशन भी कहते हैं। सो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक सेपरेट सेक्शन ऑफ सेवर। अब हमने आगे भी डिस्कस किया था कि अगर कंबाइन सेवर है, कंबाइन सेवर की जिसमें रेन वाटर प्लस ड्राई वेदर फ्लो दोनों है, तो इसके लिए तो उसे हम कंबाइन सेवर कहते हैं, और उसके लिए इकोनॉमिकल सेक्शन है हमारा एक सेपरेट सेवर कंबाइन सेवर के लिए, और दूसरा था हमारा सेपरेट सेवर्स में जिसमें कंबाइन मतलब रेन वाटर के लिए एक अलग सिस्टम होती है, और ड्राई वेदर फ्लो के लिए भी अलग सिस्टम होती है। और ये हमारे कंट्री में सेपरेट सिस्टम सूटेबल है इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे पूरे साल बारिश नहीं होती है, तो यही इकोनॉमिकल रहता है। और इसमें हम हमारा सर्कुलर सेक्शन है वो सूटेबल है, इसीलिए है ज़्यादातर पाइप जो हमारे ड्रेनेज में सर्कुलर यूज होती है। सो इसमें हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, एन एक सेपरेट सेक्शन ऑफ सेवर ए इकोनॉमिकल देन सर्कुलर सेवर, नहीं ये तो नहीं होगा। प्रोवाइड ए सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज, हाँ ये सही है। इज मोर स्टेबल देन सर्कुलर सेक्शन, नहीं ये भी नहीं है। इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि एक सेपरेट में क्या होगा कि इसका डिजाइन ऐसा होगा, मतलब एक अंडे टाइप, नीचे से डायामीटर ज्यादा ऊपर से कम। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक सेपरेट सेवर की डिजाइन ऐसे होती है। सॉरी सही से नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप देखिए एक एक अंडा जैसा बनता है, नीचे से डायामीटर ज्यादा होता है ऊपर से कम होता है उसकी विड्थ, ये यही एक सेपरेट सेवर होता है। सो ये एक सेपरेट सेवर है वो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी भी प्रोवाइड करता है एट लो डिस्चार्ज, और इसीलिए ये अगर कंबाइन सेवर होता तो इसमें ये सूटेबल है, क्योंकि इसमें कंबाइन सेवर में क्या होता है कि फिक्स नहीं रहता है डिस्चार्ज, क्योंकि जब स्टॉर्म मतलब बारिश का पानी आता है तो बढ़ जाता है डिस्चार्ज, और अगर बारिश नहीं है तो डिस्चार्ज कम रहता है। तो ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द कैपेसिटी ऑफ फ्लशिंग सिस्टम ऑफ वाटर क्लोजेस्ट। तो हम पता है कि हम हमारे वाटर क्लोजेस में जो फ्लशिंग होता है, फ्लशिंग सिस्टम पार्सल जो उसके उसमें 10 से 15 लीटर पानी उसका कैपेसिटी उसकी रहती है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको कोई कमेंट आपको कोई मतलब कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।